सम्यक वाणी या सम्यक वाचा या सम्मा वाचा, पाली के हिसाब से बोलेंगे सम्मा वाचा। सम्मा का मतलब है सही, एकदम राइट, और संस्कृत भाषा में बोलते हैं सम्यक वाणी। उर्दू में अगर कहेंगे तो कहेंगे सही कहना, या संस्कृत भाषा में बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे ठीक बातचीत करना या ठीक बोलना या राइट स्पीच। ये सबसे पहला आता है आठ अंगों का जो मार्ग है, जिसको एट फोल्ड पाथ कहते हैं, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा का सबसे मूल है। ये जो सही तरह से बोलना है, बेसिकली ये सही तरह से बोलना है क्या, क्योंकि अगर साधारण व्यक्ति की बात करेंगे तो वो तो कहेगा कि मैं बिल्कुल सही तरह से बोल रहा हूं और आप सही तरह से सुन रहे हैं और सही तरह से समझ भी रहे हैं। यहां भगवान बुद्ध ने एक शब्द हमेशा लगाया है सम्मा या सम्यक या राइट या सही, तो इसका मतलब कहीं कुछ गलत भी है तो जो गलत है वो नहीं करना है, जो सही है वो करना है। तो सही क्या है, सम्मा क्या है, सम्यक क्या है और राइट क्या है, वाचा वाणी बोलना कहना स्पीच क्या है। दरअसल चार बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहली जो इसमें बात आती है वो आती है आपको झूठ नहीं बोलना है, मिथ्या नहीं बोलना है, फॉल्स नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। ये सबसे पहला इसका नियम है। तो झूठ बोलने के लिए आपको बिल्कुल मना किया हुआ है। पहले आठ फोल्ड का जो पाथ है, आठ अंग की जो मार्ग है, उसमें पहला नियम है कि आपने सही तरह से बोलना है, और उसमें भी पहला नियम है कि आपने झूठ नहीं बोलना है, फॉल्स नहीं बोलना है। तो झूठ बोलना होता क्या है, दरअसल जो बात बिल्कुल सच है या तो आप उसको कहना, या जो बात झूठ है आप उसको कह दें, तो फिर झूठ बोलना हो जाता है। यानी जो बात है आपने वो ना कह के अगर कोई भी बात आपने बदल के कह दी तो फिर वो झूठ में आ गई, मिथ्या में आ गई, फॉल्स में आ गई। झूठ क्यों बोलता है आदमी, झूठ तीन कारण से बोलता है। पहला राग, दूसरा देश और तीसरा मोह और मूर्ता। राग का मतलब यह है कि जब हमारा कोई लालच जुड़ा होता है, जब हमें कुछ चीज चाहिए, जैसे कहीं हम काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोल के हमें कोई फायदा हो रहा है, या भविष्य में कोई फायदा होने वाला है, या किसी ने कोई फायदा किया है तो हम उसका एहसान चुका रहे हैं, या हमें लगता है कि यही ठीक है जो हमने बोला है, जो झूठ है वही ठीक है। ये बातें झूठ में आती हैं, राग में आती हैं। तो यानी कि जब आपको कोई चीज चाहिए, कोई फायदा चाहिए, कोई राग आपको हो गया, आपको चाहिए, तो आपने बात बदल के बोल दी, वो राग के कारण आपने बात बदली तो झूठ बोला। दूसरा देश के कारण या द्वेष के कारण, या जो एनिमिटी है, जो दुश्मनी है उसके कारण, यानी आपको ये बात पसंद नहीं है मगर आपने सही बात नहीं बताई, क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो आपने वो बात बदल दी। जैसे आपको किसी ने ये कहा कि मैं कल अमृतसर जाऊंगा, और आपने अमृतसर जाने का कहीं आपको पसंद नहीं है कि वो अमृतसर जाए, और आपने कह दिया कि उस व्यक्ति ने कहा है कि कल वो देहरादून जाएगा, क्योंकि उसका आपको अमृतसर जाना पसंद नहीं है, तो आपने द्वेष के कारण कह दिया कि वो देहरादून जाएगा, तो आपने झूठ बोल दिया द्वेष के कारण। या आपको कोई जलन है या ईर्ष्या है, या कोई आप बदला लेना चाहते हैं, किसी भी कारण से जब आपको कोई द्वेष होता है, एनिमिटी होती है, दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, तब आप बात को बदल देते हैं, तब झूठ बोलना होता है। तीसरा होता है मोह मूर्ता के कारण। मोह मूर्ता के कारण कैसे है, मोह जो बोलते हैं पाली के अंदर, वो बोलते हैं मूर्ख बनाने को, यानी कि जैसे कहते हैं ना मोहनी सूरत है, मोहनी सूरत का मतलब है कि ऐसी शक्ल है कि वो आपको मूर्ख बना देगी, या जैसे कहते हैं कि उसने मोह लिया, मोह लिया का मतलब है मूर्ख बना दिया, या कोई मोहिनी है तो मोहिनी का मतलब है कि ऐसी कोई स्त्री है जो आपको मूर्ख बना रही है, मोहिनी है। तो मोहन या मोहिनी या मोह, ये जितने भी कारण हैं इनको मूर्ख बनाने वाले कारण बोला जाता है, और साथ में आता है मूर्ता। मूर्ता को पुराने समय में मूर्खता ही बोलते थे, तो मूर्ता हो गया, यानी कि ऐसा कोई कारण है कि आप हंसी में, मजाक में, या चढ़ाने के लिए, या कोई मजा लेने के लिए, या भाई बिना किसी कारण के आप झूठ बोल दें मजे के लिए, या बिना बात के भी बोल दें, बिना कारण के भी, वो मोह मूर्ता के कारण झूठ आता है। झूठ का परिणाम बड़ा बुरा होता है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको झूठ याद रखना पड़ेगा। पहली बात, झूठ पकड़ा जाएगा तो उस झूठ को सच करने के लिए, सही करने के लिए आपको और झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलने की एक चेन आरंभ हो जाएगी। एक झूठ को बचाने के लिए तीन झूठ बोलेंगे, तीन झूठ के लिए नौ झूठ बोलेंगे, और जो आपके आसपास लोग हैं उनसे भी हाँ में हाँ कराएंगे, गवाही दिलवाएंगे कि देखो मैंने जो बात कही है वो सच है या नहीं है।
फिर भी वो झूठ पकड़ा जाएगा क्योंकि आपकी आंखें और आपका चेहरा उसका साथ नहीं देगा। आपकी आंखें ब्लिंकिंग करनी शुरू हो जाएंगी, लिप करनी शुरू हो जाएंगी, बंद होनी और बुझनी शुरू हो जाएंगी, या आपकी भौहों में कोई अंतर आ जाएगा, या आपके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा, या आपका चेहरा उतर जाएगा, या आपका रंग फीका पड़ जाएगा, या आपकी टांगें कांपने लगेंगी, या आपका शरीर कांपने लगेगा, या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या आपका चेहरा लाल हो जाएगा, या आपके कान लाल हो जाएंगे। कोई ना कोई सिम्टम शरीर पे झूठ बोलते ही आ जाएगा। फिर आपकी मेमोरी यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपके जो और काम है वो काम बंद हो जाएंगे। आपको हर समय ये फाइल खोल कर रखनी पड़ेगी, ये मेमोरी हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आपने कितना झूठ कब बोला। आपने अगर झूठ याद नहीं रहा, पकड़ा गया, तो आपका नुकसान होगा क्योंकि आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। आप पहले क्या बोले अब क्या बोले, कोई आपका यकीन करेगा ही नहीं। झूठे व्यक्ति का जो नाम है उससे पहले पहुंच जाता है, यानी व्यक्ति कहीं भी जाता है और उसका जिक्र होगा तो कहेंगे अच्छा फलाना आदमी झूठा, साथ में झूठा भी लगेगा, तो आपकी बात का यकीन नहीं होगा। आपको कोई काम नहीं देगा, काम देगा तो निगाह रखेगा, पैसे नहीं देगा, कोई यकीन नहीं करेगा, और आपका घर में भी विश्वास कोई नहीं करेगा क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, झूठे आदमी का विश्वास नहीं करता। और कमाल की बात यह है कि अगर दो झूठे हों तो वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, यानी कहते हैं तू झूठा, वो कहता है तू झूठा, वो कहता है झूठा, होते हुए भी कहेगा कि मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। यानी झूठे बोलने वाले को भी सच बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं, तो झूठा बोलने वाला कभी भी झूठ बोलने वाले में अपनी रिश्तेदारी भी नहीं करता, उनके पास भी नहीं बैठता, और कहीं अगर उनके जिक्र भी करेगा तो चार अलंकार साथ लगा कहेगा कि अरे वो साला हरामी झूठा, ऐसा करके बोलेगा। इसलिए झूठ बोलने का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और झूठ बोलने के लिए तो स्पेशल भगवान ने एक पंचशील दिया हुआ है जिसमें उन्होंने मूसा वादा वीरमणि सिक्खा पतंग समाध यानी स्पेशल बोला हुआ है कि झूठ कभी नहीं बोलना है। तो पहला जो कारण है वो सम्मा वाचा में वो आता है, झूठ नहीं बोलना, मिथ्या फॉल्स नहीं बोलना। दूसरा आता है कड़वी बात नहीं बोलना, यानी कड़वी बात है, तत्ती बात है, या कोई जली कटी है, जली भुनी बात है, या कोई ऐसी बात है जो आग लगा देती है या मन खराब कर देती है, या कोई ऐसी बात है जो बिटर है, पंजेंट है, या कटुक है, या तिक्त है, या तत्ती है, या झुलसी हुई है, इस तरह की कोई वचन, इस तरह की कोई वाणी, इस तरह की कोई बातचीत, इस तरह का कुछ नहीं कहना है। आपने कोई स्पीच ऐसी नहीं देनी है जो कड़वी है, कटु है, खराब है। क्यों नहीं देनी है? जब भी आप कड़वे और कटु वचन बोलेंगे, बिटर बोलेंगे, जब भी आप तिक्त बोलेंगे, तिक्त बोलेंगे, सबसे पहले आप उस कड़वाहट को मन में लेके आएंगे, या वो कड़वाहट आपके मन में पहले से ही जमी हुई होगी, उसका पौधा आपके अंदर पहले से ही जड़ जमा चुका होगा, कोई छोटा सा बीज होगा जो अंकुरित होकर पेड़ बन चुका होगा। और आप जब भी कड़वी बात कहेंगे तो सबसे पहले आप अपना चेहरा ध्यान से देखेंगे, या फोटो खिंचवा लीजिए या शीशे में देख लीजिए, तो आपका चेहरा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति कड़वी बात करता है सबसे पहले उसका चेहरे पे आती है वो कड़वाहट, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता, तो उसकी कड़वाहट उसके चेहरे पे आती है। कहते ना कि तेरी तो मन की कड़वाहट तेरे चेहरे पे आई हुई है, तो यानी कि अगर मन में कड़वाहट है, मन में कड़वाहट का पेड़ है, तो उसका बीज आपके चेहरे पे दिखाई देगा ही देगा। तो पहला नुकसान तो यह है कि आपको खुद ही वो कड़वाहट झेलनी है क्योंकि आप साथ लेके चल रहे हो, 24 घंटे कड़वाहट का पेड़ आपके साथ चलता है, 24 घंटे वो नीम का जो कड़वाहट का पेड़ है वो 24 घंटे आपके अंदर शरीर में काम करता रहता है। तो सामने वाले को तो नुकसान बाद में होगा, पहले आपको होगा। फिर जब आप उस कड़वाहट को बाहर निकालेंगे और बखेरेंगे तो वातावरण में जहां तक भी जाएगी, जितना भी मीठा मीठा वहां पर होगा, जितना भी अच्छा वातावरण होगा, वो कड़वाहट में बदल जाएगा। जो आपके यारे प्यारे होंगे, यारी प्यारी होंगी, जितने भी वहां लोग होंगे, वो इस बात को जानेंगे कि ये व्यक्ति बहुत गंदा है, बड़ा कड़वा है, बड़ा कटुर है, बड़ा तिक्त है, बड़ा बिटर है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये तो कड़वाहट ही कड़वाहट बांटता है, इसके पास कड़वाहट के अलावा और कुछ चीज है ही नहीं। तो यानी कि आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आप जहां भी जाएंगे वहीं आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे। आप बाद में कहीं जाएंगे उससे पहले आपका ये गुण पहुंच जाएगा कि ये आदमी बहुत गंदा है, बहुत कड़वा है, बहुत बेकार बोलता है, ये पूरी महफिल को, पूरे क्षमा को ये खराब कर देता है। तो उससे आपको सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपके मन को अच्छा लगेगा नहीं। कड़वाहट फैलाने वाला व्यक्ति भी ये चाहता है कि उसे कड़वाहट ना मिले, लोग उससे मीठा बोलें, और जबकि वो कड़वाहट है, यानी कि वो सबसे उम्मीद करता है कि सब उससे मीठा बोलें और वो सबसे कड़वाहट बोले। इसलिए कड़वी बातें, कटु बातें,
सम्मा वाचा में नहीं बोलनी है, सम्यक वाणी में नहीं बोलनी है। तीसरी आती है चुगली करना, यानी कि चुगली नहीं करनी है। चुगली को पाली में दूत या दूती बोलते हैं। दूत आपने सुना होगा कि अरे ये बहुत दूती है, ये बहुत दूता है, यानी कि ये दूत लगा के गया है, अभी अभी आया था, दूत लगा के चला गया। दूत बेसिकली पॉजिटिव शब्द है। दूत का मतलब मैसेंजर होता है कि जब हम किसी को भेजते हैं अपनी बात कहने के लिए। मगर अगर कोई निगेटिव वे में दूत आ जाए, यानी कि मैसेज आए निगेटिव वे में आ जाए, किसी की बुराई में आ जाए, तो उसको भी दूत बोलते हैं। फिर उसको चुगलखोरी, चुगलखोर या चुगली बोलते हैं, यानी कि चुगली करना, इंग्लिश में बैक बाइटिंग बोलते हैं। तो आपने चुगली या चुगलखोरी नहीं करनी है, आपने दूत नहीं बनना है किसी का निगेटिव वाला, आपने बैक बाइटिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आदमी जब किसी की बैक बाइटिंग करता है या किसी का दूत लगाता है या किसी की चुगली करता है, तो कई स्थिति ऐसी होती है कि एक तो वो अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं सबसे अच्छा हूं या मैं सबसे अच्छी हूं, वो औरों की बुराई करेगा या करेगी। तो वो चुगली करेगी या चुगली करेगा, बुराई करेगी, तो इसलिए बुराई करती है कि या करता है कि देखो उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और साइलेंट रूप से वो ये कहता या कहती है कि मैं ऐसा नहीं हूं, यानी कि जो मैं बुराई कर रहा हूं मैं ऐसा या मैं ऐसी नहीं हूं। तो अपने आप को अच्छा बताता है या बताती है, सामने वाले जितने भी उदाहरण देती है उसको या देता है वो खराब उदाहरण में आते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को चुगली करने में बड़ा मजा आता है और चुगली करने में उनको बड़ा रस आता है, आनंद आता है, इसका उनको राग लग जाता है, बीमारी लग जाती है, और वो बिना चुगली करे रोटी नहीं खा सकते, उनकी रोटी नहीं पचेगी, उनके पेट में दर्द होगा जब तक वो चुगलियां ना कर ले। भारत के अंदर तो ये बीमारी बहुत ज्यादा है, आदमियों में भी और औरतों में तो ये कमाल की है। चुगली जब तक ना कर लें, जब तक एक दूसरे की बात को इधर से उधर ना कर दें, तब तक वो खाना नहीं पचता। चुगली करने वाला या करने वाली कभी किसी को पसंद नहीं आता। दो चुगलखोर भी होंगे तो वो आपस में अपने घर में जब जाते तो यही कहते हैं कि हाँ वो बड़ी चुगलखोरनी है, वो ये ऐसे कह रही थी, अपना नहीं बताएगी ना अपना बताएगा। और वो दूसरे घर में जाता है, जाती है, वो भी यही कहती है कि सीए वाला जो बंदा है बहुत चुगलखोर है, चुगलखोरनी है, अच्छा नहीं है। यानी कि चुगलखोर चुगलखोर आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि अच्छा नहीं है, चुगली करती है, और एक दूसरे का यकीन और विश्वास भी नहीं करते। कई बार चुगलखोरों का लोग फायदा भी उठाते हैं। कैसे? उनको अपनी बात पूरे मोहल्ले में पहुंचानी होती है तो वो किसी चुगलखोर को कहते हैं कि ये बात ऐसे ऐसे है और तुम किसी को कहना मत, चुगली मत करना। वो जानते हैं कि ये चुगली करे बिना मानेगा या नहीं, या मानेगी नहीं, और ये ढोल का पोल है और ये फटेगा ही फटेगा और आवाज पूरे मोहल्ले में जाएगी जाएगी और उसका काम हो जाएगा। तो चुगली करने वाले की एक अच्छी इमेज और अच्छी बात नहीं मानी जाती, उसका कोई यकीन नहीं करता, उसका विश्वास नहीं करता, उसको सच्चा नहीं माना जाता, उसको अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए सम्मा वाचा में या सम्यक वाणी के अंदर या राइट स्पीच के अंदर ये काम नहीं करना है। और चौथा जो सबसे बढ़िया है, आपने सुना होगा शोले जो फिल्म है, जिन लोगों ने देखी है, उसमें एक है भोपाल का करेक्टर जगदीप का, क्या कहते हैं, हम सूरमा भोपाली, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं लोग हमको, आपने सुना होगा। तो वो सूरमा भोपाली यानी भोपाल और मध्य प्रदेश के अंदर एक शब्द चलता है बतौलबाजी। बतौलबाजी का मतलब है कि दो चार पांच लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक कोई बात कहता है जो बिल्कुल गप होती है, दूसरे उससे भी बड़ी गप कहता है, तीसरा उसका समर्थन करते हुए उससे भी बड़ी गप कहता है, चौथा उससे भी बड़ी गप कहता है, और इस तरह से वो आपस में मनोरंजन करते हैं। इसको बतौलबाजी का शौक बोलते हैं। खाली बैठे हुए हैं तो आपस में एक दूसरे गप कर करके गॉसिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में, गप बोलते हैं, बतौलबाजी वहां बोलते हैं। तो वो बातें एक दूसरे की बहुत बड़ी बड़ी पेच लड़ाते हैं बातों के, यानी कि लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं। कई बार तो वो ऐसी बातें होती हैं कि उनको ये बताते हुए कि ये ठीक होगी नहीं होगी, कई बार तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें गप में बोल जाते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि आपने बेकार की, फिजूल की, बल बढ़ाना या जो ऐसी बातें हैं जो बेकार हैं, जो किसी काम की नहीं है, जो व्यर्थ की बातें हैं, बकवास जिनको बोलते हैं, फिजूल बोलते हैं या गॉसिप्स बोलते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी है। ये चौथा नियम है जो सम्मा वाचा है, जो सम्मा वाणी है, क्यों नहीं करनी है बेसिकली ऐसी बात। ऐसी बात इसलिए नहीं कही है कि जब आप खामे का कहीं गाल बजाएंगे या खामे का कहीं चौंच लड़ाएंगे या खामे का कहीं गप्पबाजी करेंगे, तो गप्पबाजी करते समय, व्यर्थ की बात करते समय दो चार झूठ बोल जाएंगे, दो चार बात होंगी नहीं तो काल्पनिक बोल जाएंगे, दो चार बात दाएं बाएं से लगा के बोल जाएंगे, दो चार बात ऐसे बोल जाएंगे जिनका ना सर होगा ना पैर होगा। तो आपने खामे खां अपने ऊपर झूठ बोलने की फाइल चढ़ा ली, आपने खामे खां ऐसी बात बोल दी जो है ही नहीं और वो झूठी हो गई।
उससे सामने वाला ये कहेगा कि ये व्यक्ति भरोसे का नहीं है, ये कुछ भी बोल सकता है, इसका कोई एतवार नहीं है, और वो आपका कोई एतवार करेगा नहीं, आपकी सोसाइटी में इज्जत चली जाएगी, आपकी निगाह में चली जाएगी। तो खामखा आपने गॉसिप्स किया, गप्पे मारी, बात की आपने और दो चार पांच झूठ बोल दिए, दो चार बार टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दी, आपका सारा करेक्टर खराब हो गया। ये चार बातें आपने नहीं करनी है। मगर चार बातें क्यों नहीं करनी है? चार बातें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपने सबसे आखिर में समाधि में बैठना है, जहां आप समाधि के बाद में अपने मन को प्योरीफाई करेंगे और मन को आप पूरी तरह से शुद्ध करेंगे, परिशुद्ध करेंगे। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, परिशुद्ध नहीं होगा, पाप आपके हटेंगे नहीं, क्योंकि पाप हटेंगे तभी तो मन शुद्ध होगा। तो पाप हटाने के लिए आपको समाधि में बैठना है। समाधि में बैठने के लिए आपका जो चित्त है, जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, वो एकाग्र होना चाहिए, वो एकाग्र होना चाहिए, वो कंसंट्रेट होना चाहिए, वो एक बिंदु पे होना चाहिए, उसमें फालतू की बातें नहीं आनी चाहिए। अगर दाएं बाएं की उसमें बातें आती हैं जो निगेटिव हैं या पाप वाली बातें आती हैं, तो पाप वाली बातें आने से या निगेटिव बातें आने से होगा क्या कि आपका मन एकाग्रचित नहीं होगा, कंसंट्रेट नहीं होगा, समाधि लग नहीं पाएगी। और जब समाधि ही नहीं लग पाएगी तो आपके पाप कटेंगे कैसे, और पाप जब कटेंगे नहीं तो पुण्य निकल के आएंगे कैसे, और जब तक पाप जाएंगे नहीं, पुण्य आएंगे नहीं, तो आपका मन जो है वो कैसे खुश होगा और आपके शरीर को कैसे शांति मिलेगी। यानी सारा काम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए, अपने दुख काटने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए। इसलिए चार बातें अगर ये आप नहीं करेंगे तब आप एक स्टेप आगे जाएंगे, तब आप समाधि की तरफ बढ़ेंगे, तब आप सुख की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो आठ अंग हैं, उन आठ अंगों का पहला अंग है कि आपको सही तरह से बोलना है, उसमें ये चार बातें हैं। अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा फिर आपने क्या क्या करना है। जो आएगा सम्यक कम्मंत, यानी सम्मा कम्मंत या सम्मा कम्मंत या सम्यक कर्म या राइट वर्क या राइट कंडक्ट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वाले एपिसोड में। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Good time.
Sangam Sarnam Gacchami.